नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखने वाले न्यूरोथेरेपी में हम कैसे डायग्नोज करते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इनको क्या बीमारी हुई है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम डायग्नोज। आइए, दोनों हाथों की उंगलियां इस प्रकार से पकड़नी है और फोर्थ फिंगर का सेकंड जॉइंट, ये वाला जो जॉइंट है, इसको दोनों को एक साथ दबाना है, दोनों पर समान प्रेशर रहे और पेशेंट को पूछना है कि दबाने से चुभन दर्द इधर ज्यादा है या इधर ज्यादा है। अगर पेशेंट कहता है कि उसको इधर चुभन दर्द ज्यादा है, यानी कि राइट हैंड के फोर्थ फिंगर के सेकंड जॉइंट में ज्यादा दर्द है, इसका मतलब इनका अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। ऐसे ही अगर लेफ्ट हैंड की फोर्थ फिंगर के सेकंड जॉइंट में दर्द है, इसका मतलब इनका एसिड बढ़ा हुआ है। ऐसे ही फिर पेशेंट को उल्टा घुमाना है और देखेंगे ये स्पाइन है, स्पाइन की ये जो लंबर वाला एरिया जहां हम बेल्ट बांधते हैं, ये वाला एरिया स्पाइन एरिया इधर की साइड, अपने हाथों की उंगली और अंगूठे की मदद से हमें इधर इस प्रकार से क्लॉकवाइज करना है और ऐसे ही इधर। फिर पेशेंट को पूछना है आपको दबाने चुभाने से इधर ज़्यादा दर्द हो रहा है या इधर ज़्यादा दर्द हो रहा है। अगर इन्होंने कहा कि इधर ज़्यादा चुभन हो रही है या दर्द हो रहा है, इसका मतलब इनका एसिड बढ़ा हुआ है, और इधर चुभन दर्द ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब इनका अल्कलाइन बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये इनकी राइट साइड है और ये इनकी लेफ्ट साइड है। ये तरीका हुआ। उसके बाद एक पॉइंट ये आता है, ये जो हम कौड़ी का पॉइंट भी बोलते हैं और जहाँ ये स्टैंडम बोन आके मिलती है, ये वाला जो पॉइंट है, अगर हम किसी पेशेंट का इस प्रकार से दबाते हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा हैवीनेस, भारीपन या पेशेंट को दर्द या चुभन होता है, तो इसके आधार पर हम कहते हैं कि इनका जो सोलर प्लेक्सस वाला ये एरिया है, इनका ये गैस्ट्रिक रीजन है, इसमें अगर चुभन दर्द है, इसका मतलब इनका डाइजेशन ठीक नहीं है, इनको या तो गैस की प्रॉब्लम हो सकती है या इनको यूडीएफ की समस्या हो सकती है। न्यूरोथेरेपी में वर्ड होता है यूडीएफ, यानी अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, यानी कि मोशन में अनपचा खाना इनको आता होगा। एक ये तरीका हुआ। ऐसे ही हम पेशेंट की आंखों को देखकर, ये आंख इस प्रकार से देखते, अगर हमने पाया कि पेशेंट की आंख पे हमें पीलापन नजर आता है, तो इसका मतलब पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है। अगर ये व्हाइट नजर आती है आंखों का ये वाला हिस्सा, अगर व्हाइट नजर आए, इसका मतलब इनको हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि अगर किसी का चेहरा पीला पड़ जाता है, तो इस आधार पर हम कहते हैं कि इनका लीवर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है, इनको जॉन्डिस हो सकता है, इनको पीलिया हो सकता है, या किसी का फेस व्हाइट हो जाता है, तो इस आधार पर भी हम कहते हैं कि इस व्यक्ति की बॉडी में खून की कमी हो सकती है, इनको हीमोग्लोबिन इनकी बॉडी में कम हो सकता है। ऐसे ही पेशेंट के हाथों के नखूनों को हम इस प्रकार से देखते हैं, अगर ये हमें पीले नजर आते हैं, इसमें पीलापन जैसा नजर आए, तो इस आधार पर हम कहते हैं कि इनको जॉन्डिस हो सकता है, या ये व्हाइट नजर आते हैं नाखून, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इनको हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, इनकी बॉडी में खून की कमी हो सकती है, क्योंकि नाखून का कलर पिंक होना चाहिए, गुलाबी होना चाहिए, फिर इसका मतलब होता है कि उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका हीमोग्लोबिन भी ठीक है और उनको जॉन्डिस भी नहीं है। एक डायग्नोज करने का बहुत महत्वपूर्ण तरीका होता है जीभ, जीभ बाहर निकालो। किसी भी पेशेंट की जीभ को अगर हम देख रहे हैं, इसका मतलब होता है, और लंबी निकालो, इस प्रकार से निकालते हैं, अगर पेट इनका ठीक हो, इनको कोई रोग ना हो, तो जीभ का कलर पिंक होना चाहिए, इसका मतलब इनका पेट बिल्कुल ठीक है। अगर पेशेंट की जीभ व्हाइट नजर आए, इसका मतलब इनका डाइजेशन ठीक नहीं है, इनका पेट ठीक नहीं रहता है, इनको मोशन संबंधी दिक्कत हो सकती है, या जीभ में अगर कट्स नजर आए, इसका मतलब भी डाइजेशन ठीक नहीं है, या उनकी बॉडी में विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके थे जो आपने जाने कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है तो हम सेल्फ भी डायग्नोज कर सकते हैं, और अगर हमने पाया कि डायग्नोज ठीक प्रकार से नहीं आ रहे हैं, सारे पैरामीटर बिल्कुल ठीक नहीं है, उनमें हमें कुछ अलग से चेंजेस नजर आ रहे हैं, फिर उस समय रहते हुए हम उसके आधार पर उनका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है और आज आपको पूरी बॉडी के बारे में जानकारी अवश्य ही मिल गई होगी और आप किसी भी व्यक्ति को अच्छे से डायग्नोज खुद भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें,
वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।